हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको 8 कलियों वाला शर्ट की कटिंग स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप फुल वॉच करोगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी। बहुत सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग हम आपको दोनों बताएँगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने शर्ट में 3 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है। यहाँ पर हमने प्योर जॉर्जेट ली है। तो फ्रेंड्स, हाफ मीटर पे हमने इसकी गले की और बाजू की कढ़ाई करवाई है। ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है। अगर आप इसी में से बाजू कटिंग करोगे तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना होगा। तो यहाँ पर हमने ये आधा मीटर कपड़े की कटिंग करके उस पर गले की और बाजू की कढ़ाई करवा ली है। अब इस कपड़े की हम कटिंग करके इस पर ज्वाइन करेंगे, तो वो हम वीडियो में आगे चल के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये हमने 3 मीटर फैब्रिक ली है, यानी कि जॉर्जेट है हमारी ये। तो इसको हम इस तरीके से देखिए, किनारी साइड से इसको इस तरीके से ओपन करेंगे और हमें इसकी जो लेंथ रखनी है, टोटल रखनी है 50 इंच तैयार। तो उसमें हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो किनारी साइड से हम इस तरीके से इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमने 51 इंच इस तरीके से कट लगा लिया है और उसका हमें डबल कर लेना है, एक फ्रंट साइड को और एक बैक साइड के लिए। तो ये इस तरीके से हम इसके बराबर डबल कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 50 इंच की हमारी तैयार लेंथ रहेगी। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो निकाल दिया। अब इसके हम 2 अलग अलग पीस कर लेंगे, फ्रंट साइड का और बैक साइड का। तो हम आपको बैक साइड के पर्थ की कलियों की कटिंग करके बताएंगे और सेम पैटर्न से फ्रंट साइड के पर्थ की कली कटेंगे। तो एक पर्थ अभी हम हटा के रख देंगे इसको। सेम तरीके से कटिंग होगी कलियों की। तो 4 कली हमारी फ्रंट साइड में आएंगी और 4 कली हमारी बैक साइड में आएंगी। तो ये देख सकते हो, हमने यहाँ पर डबल कपड़ा लिया है। ये देखिए, हमने डबल कपड़ा लिया है और किनारी हमने आगे की तरफ रखी है और बंद साइड अपनी तरफ है। तो यहाँ पर आप कपड़ा नाप सकते हो। जो हमारी लेंथ है उससे हमने 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर से नीचे की तरफ 15 इंच पर एक निशान लगाएंगे कमर का। उसके बाद 4.5 इंच चौड़ाई रखेंगे हम कली की। शोल्डर से नीचे की तरफ हमने 15 इंच पर निशान लगाया है कमर का। उसके बाद कली की जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच है और कमर के निशान से ऊपर तक, शोल्डर तक हमें ये 4.5 इंच नापना है सीधा। अब इन निशानों को हम एक दूसरे से मिला देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। और कली की जो चौड़ाई नीचे साइड से है वो है यहाँ पर 12.5 इंच। तो हमने 12.5 इंच कली की चौड़ाई नीचे से ली है और कमर से लेके नीचे कली तक इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हम चौकशे निशान लगा लेंगे। तो ये देख सकते हो, हमने कली का निशान लगा लिया है नीचे तक। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कली की चौड़ाई और ज़्यादा बढ़ाने चाहते हो नीचे से घेर, तो आप यहाँ पर 16 इंच तक घेर बढ़ा सकते हो। हमने 12.5 इंच लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पर और भी घेर आप बढ़ा सकते हो कली का और बहुत इजी तरीके से बढ़ जाएगा। ये देखिए, हमने 12.5 इंच का निशान लगाया है। आप यहाँ पर 16 इंच तक का भी निशान लगा सकते हो अगर आपको घेर ज़्यादा चाहिए। कमर से लेकर इंची टेप को नीचे तक इस तरीके से रखना 16 इंच तक और नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पर घेर बढ़कर तैयार हो जाएगा। अब ये एक कली का हमारा निशान लग चुका है, यानी हमने डबल कपड़ा बिछाया है। तो 2 कली हमारी का निशान इस तरीके से लग चुका है। अब ये सारे निशान हमने एक दूसरे से मिला दिए हैं। अब इन निशानों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देख सकते हो आप, कटिंग हमारी कली की हो चुकी है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये हमारा ओरेबिक है और ये हमारा सीधा है। तो हम सीधे वाले हिस्से को इस तरीके से पकड़ेंगे और हमारा कली की तरफ फोल्ड करके पलट के रखेंगे और यहाँ पर इसको हमें जॉइंट करना है। इस तरीके से हम सिलाई से जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से हमारा 27 इंच है और यहाँ पर हमारा 4 जगह में रहेगा, तो यानी 2.5 मीटर का घेर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 55 साइज तक का बना सकते हो। तो हमें जो साइज़ है हमारा उसी के हिसाब से बनाना है।
तो यहाँ पर इस तरीके से हमने ये कली को जोड़ लेना है सिलाई से, और यहाँ फ्रंट पर यहाँ पर हमने कटिंग नहीं करनी है, हाफ इंच इस तरीके से हम सिलाई पर लगा लेंगे ताकि यहाँ पर हमारी बीच में कली बन जाएगी। इसको हमें काटना नहीं है, इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। बैक साइड के पर्त है सिलाई लगा लेंगे, फ्रंट साइड के पर्त में हमारी सिलाई नहीं लगेगी। तो फ्रंट साइड का जो पर्त कटेगा वो हम आगे की तरफ किनारी ले लेंगे कुछ सिंपल तरीके से, जैसे कि ये किनारी है हमारी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सिलाई से ज्वाइन कर लिया है, बैक साइड का पर्त है, और यहाँ सेंटर में भी हमने एक सिलाई लगा ली है, और फ्रंट साइड का पर्त हमने बीच से जोड़ा नहीं है। आप देख सकते हो ये किनारी है हमारी, तो एक पर्त और हम इसी के ऊपर रख लेंगे। जो फ्रंट साइड का पर्त है वो हमारा, तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक साइड के पर्त को रख लिया है। अब ये दूसरा पर्त है जो फ्रंट साइड के दो पर्त रहेंगे, क्योंकि वो फ्रंट से ओपन है उसको जॉइंट नहीं करेंगे। तो फ्रंट बैक साइड और फ्रंट साइड के दोनों कली अगर हम आपको काट कर बताएं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ पर ऊपर की तरफ एक स्टेट निशान बना लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर शोल्डर के निशान लगाने हैं 7.5 इंच, उसके बाद गले की चौड़ाई के निशान लगाने हैं 2.5 इंच, उसके बाद इंची टेप रखेंगे शोल्डर से नीचे की तरफ 7.5 इंच पर हम आर्म होल के निशान लगाएंगे, और 15 इंच पर हम कमर के निशान, 7.5 इंच पर आर्म होल और 15 इंच पर कमर के निशान। तो अब इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। तो दोनों निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब जैसे कि हमने यहाँ पर शोल्डर के निशान लगाया था 7.5 इंच, उसी के बराबर हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को हम मिला लेंगे, यहाँ पर ये निशान हमने मिला लिए हैं। उसके बाद 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे फ्रंट साइड के पर्त के लिए, और यहाँ पर हम गोलाई कर देंगे मुड्ढे की जो कि अंदर की तरफ होगी। उसके बाद जैसे कि चेस्ट है 42 इंच, तो 1/4 रखेंगे हम यहाँ पर 10.5 इंच, तो चेस्ट के निशान हमने लगा लिए है। उसके बाद हम यहाँ पर कमर के निशान लगाएंगे, कमर है 32 इंच, तो उसका हमने 1/4 लिया है 8 इंच, और कमर से नीचे तक इंची टेप को इस तरीके से रखकर निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को एक दूसरे से हम मिला देंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लेते हुए शटिंग कर ली है। उसके बाद फ्रंट साइड के मुड्ढे की भी कटिंग हो गई। तो आपको हम आप लेंथ बताते हैं, जैसे कि 50 इंच लेंथ है, तो 1 इंच हमने मार्जिन के लिए प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, और साइड से हमें यहाँ पर 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ कटिंग करनी है। यह साइड से हमें 2 से 2.5 इंच इस तरीके से गोलाई में कटिंग करनी है, वरना तो आपका कोना नीचे की तरफ लटकेगा। शोल्डर से नीचे की तरफ इस तरीके से हम 25 इंच पर एक निशान लगाएंगे, जो कि फ्रंट साइड का पर्त है हमारा वो बंद होगा। 25 इंच पर निशान लगाना है हमें शोल्डर से नीचे तक जो बंद होगा, अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से होगा। तो बैक साइड के पर्त को हम अभी एक तरफ रख देते हैं हटाकर। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमने पर्त को ले लेना है, और यहाँ पर हमने एक पट्टी पहले से ही तैयार करके रखी है प्रेस करके। उसके बाद हम एक पर्त को उठाएंगे, और जहाँ भी हमने निशान लगाया है 25 इंच तक का, यहाँ पर पट्टी के ऊपर रखकर यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे शोल्डर से लेकर नीचे तक, और इसी तरीके से हम दूसरे वाले पर्त को रखेंगे पट्टी पर, और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया है 25 इंच का शोल्डर से नीचे तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी सिलाई इस पर पट्टी पर लग चुकी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। तो फ्रंट साइड के पर्त में हमने इस तरीके से पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसके लिए हमने जो
कढ़ाई करवाई है बाजू की और गले की, उस कपड़े से हम गले को इसके निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरीके से कटिंग कर ली है और अब उसके बाद जो इसकी कढ़ाई है जिस तरीके से, उसी तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमारे कढ़ाई में कटवर्क है उसी तरीके से हमें कटिंग करनी है इस गले पर सारे पे, जो हमारा एम्ब्रॉयडरिंग का डिज़ाइन है। और फ्रंट साइड का पर्थ लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से हम गले को रखेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाकर पलट देंगे, तो वो हम आपको स्टिचिंग करते टाइम बताएंगे। अब हम बैक साइड का पर्थ लेंगे, उसके गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गले को इस तरीके से बैक साइड के पर्थ को रख लेते हैं और उसमें हमें 2.5 इंच की चौड़ाई चाहिए और 3 इंच की हमने यहाँ पर गले की लेंथ ली है। और गोल गले की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे बैक साइड के पर्थ की। तो बहुत ही सिंपल सी, मतलब हम आपको शर्ट की कटिंग स्टिचिंग बताएंगे। ये देखिए 3 इंच लेंथ है और 2.5 इंच हमारी चौड़ाई है। आइए फ्रेंड्स, अब हम मशीन पर आपको गले की इस तरीके से स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पर गले की हमने कटिंग कर ली, आप देख सकते हो कटवर्क। ये हमने फ्रंट साइड का पर्थ लिया है, उसके ऊपर गला रखेंगे इस तरीके से। बैक हमने जो गला रखना है वो उल्टे कपड़े पर, उल्टे कपड़े पर इस तरीके से हम गले को रख लेंगे। अब गले के बराबर में हमें इस तरीके से गले को संभालते हुए सिलाई लगानी है, बिल्कुल बराबर में। तो यहाँ पर गले की हमारी सिलाई लग चुकी है। अब अंदर साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। देखिए सिलाई के बराबर ही हमें कटिंग करनी है और सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए। और इसमें अब हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम कहीं कहीं कट लगा लेंगे गला पलटने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कट लगा लिए हैं। अब गले को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और सीधी तरफ इसको पलट लेंगे। और जैसे जैसे हमारी गले में कटवर्क है उसी के तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले हम एक अंदर की तरफ सिलाई लगा लेते हैं गले पर गोल। तो यहाँ पर ये देखिए हम गोल सिलाई लगा लेंगे। अब इसके बाहर की तरफ आउटिंग कर देंगे गले की तरफ। यहाँ पर जिस तरीके से हमारी कढ़ाई है उसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है। तो जिस तरीके से कटवर्क है हमारे, जो कढ़ाई के डिज़ाइन है, हमें उसी पर सिलाई लगानी है। तो ये आपको गला संभालते हुए सिलाई लगानी है, आपके गले में झोल ना आए इस तरीके से। इसी तरीके से हम पूरे गले पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने गले पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर ली है। तो ये देखिए गला हमारा रेडी है। तो गला तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। बैक साइड के पर्थ पर हमने यहाँ पर गले पर और भी पट्टी लगाई है, वो सिंपल तरीके से लगेगी, तो वो हमने पहले ही लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से मिला कर रखेंगे और जो हमने बैक साइड के गले पर पट्टी लगाई उस पट्टी को इस तरीके से पलटते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड के शोल्डर को भी ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए पट्टी आप पलटोगे तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे शोल्डर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप फिटिंग के हिसाब से इसमें फिटिंग लगा लीजिए, जो भी हमारी फिटिंग है, निशान जो हमने लगाए हैं। उसके बाद हमने बाजू यहाँ पर सिलाई लगा के रखी है, नॉर्मली सिलाई
जैसे कि फिटिंग की होती है उस तरीके से हम मुड्ढे को यहाँ पर नाप लेंगे और गले की तरफ से इस तरीके से हम बाजू को और मुड्ढे के दोनों की सिलाई इस तरीके से बराबर में लाएंगे। दोनों की फिटिंग, बाजू की फिटिंग और हमारी कुर्ती की फिटिंग दोनों को मिलाकर पकड़ते हुए बाजू को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हम पकड़ते हुए इसमें गोल बाजू लगा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हो हमारी बाजू लग चुकी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू भी लगा लेंगे। तो देखिए मुड्ढा हमारा बिल्कुल तैयार है। और तो फ्रेंड्स हमारी फ्रॉक इस तरीके से हमारा शर्क तैयार है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ शर्क में 4 कली डाली हैं फ्रंट साइड में और 4 कली बैक साइड में, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए गले पर हमने बताया है आपको कि कढ़ाई वाला गला किस तरीके से लगता है और यहाँ पर आप बटन भी लगा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।